हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। क्या बात है, बधाई दो कि पूरी टीम आई हुई है। हेलो राजकुमार सर, क्या हाल है चंदू जी? बहुत बढ़िया जी। हेलो भूमि जी, तो फिर आ गए पिताजी का कोट पहन के। हेलो हर्षवर्धन जी, कैसे हैं आप? हेलो, एकदम। पिताजी का कोट क्या होता है? मेरी माताजी कोट नहीं पहनती, तो मैं पिताजी का पहन के आ गया। और यार प्लीज मुझे डिस्टर्ब नहीं करना, क्योंकि देखो आज है किस डे, तो मैं मार्केट में अपने होंठ लेकर निकला हूँ। कटोरा कहीं गुम हो गया जो होंठ लेकर निकले हो आज? यार कपूर शर्मा, क्यों तुम ऐसी बातें कर रहे हो आज? किस लिए? अच्छी बातें करो ना मम्मी जी। मैं कहता हूँ मेरी बात सुनिए, प्रमोशन ये कर लेते हैं, हम डिनर पे चलते हैं। ब्रेकफास्ट किया तूने? डिनर पे चलते हैं। डिनर तूने सोचा भी कैसे भूमि के साथ डिनर करने का? डिनर सोचने थोड़ी होता है, डिनर तो करने से होता है। बैठो, आ जाओ। बैठो बैठो, कोई बात नहीं, घबराना नहीं, बैठो, अच्छे लग रहे हो। डिनर के लिए पैसे कहाँ से आएंगे यार? इतनी बड़ी हीरोइन है, डिनर के पैसे तो होंगे इनके पास। तुझे शर्म नहीं आती है? मेहमानों से पैसे लेते हुए? देखो शर्म मैंने छोड़ दी है राजकुमार साहब, मैंने एक चीज ऑब्जर्व की है कि शर्म त्यागने से आप जिंदगी में बहुत कुछ अचीव कर सकते हो। देखो अगर आप अपनी मेहनत का डिनर करेंगे ना, तो वो टेस्टलेस होता है। तो मतलब कहने का ये है कि अगर आप किसी से डिनर मांगते हो तो हमेशा टेस्टी होता है वो। ये तो हो गई फिलॉसफी। इधर क्या करने आए हो यार? मैं इधर लगाऊं? जा जाके बाहर ऑटो वालों के लिए मुजरा कर, 100 रुपया तेरी दिहाड़ी बने। कपूर शर्मा यार, मुझे प्लीज डिस्टर्ब ना करो। उनकी मूवी आ रही है, मैंने उनका ट्रेलर देखा। उनका ट्रेलर क्या होता है बोल? मूवी का ट्रेलर देखा? उनकी मूवी का ट्रेलर देखा। मूवी क्या होता है बोल? नाम बोल का बधाई दो का ट्रेलर देखा। मैंने इनकी मूवी बधाई दो का ट्रेलर रात को 11:30 बजे अपना लैपटॉप ऑन करके देखा, बहुत ही बढ़िया था। उसके बाद मैं सफेद चादर ओढ़ के सो गया। तू सफेद चादर ओढ़ के सो गया? तू लाश है? एटीट्यूड देखो इसका। शुक्र है तू अमिताभ बच्चन नहीं है, तू तो हमारे सर पे पैर रख के बैठता है। यार कपूर शर्मा, चक्कर पता क्या है? मैं ये इतना, ये मैं आप, मेरा बचपन का दोस्त है ये, इतना बेवकूफ है ये और इतना कंजूस है। कॉलेज में इसको एक लड़की ने बोला मेरे को फिल्म दिखा दे, एक टिकट लेके उसको अकेले को दिखा दी, बाहर खड़ा रहा। तुझे पता है भूमि ने जो बधाई दो के ट्रेलर में बोला ना, मुझे लड़कों में कोई इंटरेस्ट नहीं है, वो तुमसे मिलके गई थी, उसके बाद आइडिया आया उसको। कपूर शर्मा सिर्फ दो साल निकलने दो, उसके बाद मैंने तुम्हें देखना ही नहीं। 2 साल बाद क्या हो रहा है? उसके बाद मेरे घर की किश्तें उतर जाएंगी। तुझे पता है चंदू, फरवरी महीने में 28 दिन क्यों होते हैं? क्यों होते हैं? ताकि तेरी फालतू की बात है ना, 2 दिन कम सुननी पड़े लोगों को। और तुम्हें पता है कि जो यही फैब अगर 4 साल के बाद आता है तो उसमें 29 दिन क्यों? लीप का साल होता है, बच्चे बच्चे को पता है वो। शट अप, जीके का सवाल है ये। और फैब क्यों बोला? पूरा बोल, पूरा क्या बोलते हैं? फैब भी बोलते हैं। फैब नहीं, पूरा बोल। आज बोलेगा तो आगे बढ़ेगा शो। फैब आगे पूरा बोल। जैन के बाद फैब आता है बस। पूरा बोल, चेक पूरा लेता कि नहीं लेता? महीना पूरा बोल। भूमि आप बोलो, बोलो यार, आपकी मन। यार तुम तो मुझे ना कॉन्शियस कर देते हो यार। कॉन्शियस की स्पेलिंग बता दे चल। अच्छा चल ठीक है, चल मैं यार नहीं बोलता। मैं ये पता क्या, देखो राजकुमार साहब, चक्कर ये है कि जैसे मैंने इनसे पूछा कि क्यों आते हैं 28 दिन, है ना, ऐसे इनको भी मुझसे पूछना चाहिए, हाँ भी क्यों आते हैं 29 दिन? तुम तो मेरी बात ही नहीं कंप्लीट होने देते। 4th class तेरे से कंप्लीट हुई नहीं, बात कंप्लीट करेगा। मैं ये ऐसे दोस्त है ना, ऐसे करता रहता। मैं पढ़ाई में बड़ा ब्रिलियंट था कपूर, बड़ा अच्छा था। एक बार एक टीचर ने बोला मान लो तुम्हारे पास 100 रुपए हैं, 10 के तुमने समोसे खाए, बाकी कितने बचे? कहता 40 रुपए। कहता वो कैसे? कहता 50 उसने पिछले भी काट लेने मेरे। ये था इसका पढ़ाई में। इधर क्या करने आया है? देखो मेरी बात सुनो, चक्कर ये है कि भूमि जी सिंगल है और मेरा भी अभी कोई प्लान नहीं है, तो मैं उनके साथ डिनर पे जाना चाहता हूँ। ये चप्पलें पहन के ये वाला कॉन्फिडेंस कैसे आता है? उनको
नहीं जाना तेरे साथ डेट पे। कोई बात नहीं यार, मैं कच्चा आशिक थोड़ी हूँ। मैंने तैयारी पूरी की है। क्या तैयारी की है? अच्छा, डी माइनर दो यार। उनसे डी माइनर मांग रहा, उन्होंने तेरे से चाय मांग ली फिर। राजकुमार! यस पूरी, तुम्हारे सपनों का राजकुमार आ गया है। तुम्हें तो मैं नीचे आके देखती हूँ। इसे कहते हैं सच्चा प्यार। ऊपर से मैं अच्छे से दिखाई नहीं दे रहा था, कहते नीचे आके देखती हूँ। ध्यान से देख, कूड़ा फेंका उसने तेरे ऊपर। हाँ तो जो उसके घर में होगा वही फेंकेगा, और हीरे मुझे थोड़ी फेंकेगी। राजकुमार भूमि हर्षवर्धन जी आए हैं। हाय हाय। ओ हेलो, वो लोग आए, मैं भी आया हूँ। मैं तुमसे व्हाट्सएप पे थोड़ी बात कर रहा हूँ। ओ आज किस डे है? तो तुम्हें नहीं पता किस डे का क्या मतलब होता है? जाओ जाके तैयार हो, क्या हो, आज हमने डिनर पे जाना है। मेरे पास वक्त नहीं है। ओ हेलो। नहीं, तुम जो उसको बोल रही हो मेरे पास वक्त नहीं है, एक ले दे के वक्त ही तो था तुम्हारे पास, वो भी नहीं है अब। भूरी मेरी तरफ ध्यान दो। हेलो, मेरी बात सुनो। ओए इधर ध्यान दो भूरी, तुमसे बात कर रहा हूँ। आई एम टॉकिंग टू यू। अरे चश्मा उतारो, पता नहीं चल रहा। बेटर। और खराब लगने लग गया। मेरी तरफ ध्यान दो, इतना हैंडसम लड़का तुम्हें भाव दे रहा है, फटाफट से हाँ कर दो, नहीं तो ये भी लड़का तुम्हारे हाथ से निकल जाएगा। क्या भाव दे रहे हो बताओ? मैं अच्छा एक सेकेंड, लड़का आप लोग देख लो, मतलब देख लो ये है लड़का। नहीं नहीं, मैं आप सबको एक बात बताती हूँ, लड़की वाले इसको देखने आए, इसको देखने आए, और वो इसी के घर वाले को डांट के गए कि हमें तो दिखाते लेकिन खबरदार आगे किसी को दिखाया तो। ये है वो मास्टर। खबरदार आगे से बोला मुझे पंच नहीं देते, पंच नहीं देते, दिया ना आज। क्या किया तुमने? और पंच चाहिए? तुम आगे अपनी लाइन ले लो। ओए मेरी बात सुनो, मैं तुम्हारे साथ इसलिए कह रहा था कि चलो आओ डिनर पे चलते हैं, मैं तुम्हारा राजकुमार हूँ। अरे डिनर तो मैं असली राजकुमार के साथ जाऊंगी ना। ओए मेरी बात सुनो भूरी, हाँ कर दो, मैं दो जोड़ी जूते में भी आ जाऊंगा। क्या? एक सेकंड, तुम ना रहने दो मुझे, कैसे बात करना। गेस्ट आए, मैंने आप दोनों की फिल्म का ट्रेलर देखा, बहुत अच्छा लगा। लाइक आप दोनों का ट्रेलर, लाइक आपका ट्रेलर का मूवी का नाम बोलो। मूवी का ही ट्रेलर आता है, इंसानों का कौन सा ट्रेलर आता है? अरे तो तुम इंसानों का ट्रेलर ही हो। क्या मतलब? अरे तो पूरी रिलीज थोड़ी हुई, तुम दो मिनट की लड़की रिलीज नहीं हुई। तुम दोनों ने ये जो बातें करी ना इधर, तुम पीछे बैठ के करते ना, चैनल का करोड़ रुपए बच जाता। चैनल के करोड़ों के चक्कर में हम अपने लाखों का नुकसान करा ले। बुरी, और मैं दो कपड़ों में भी आ जाऊंगा। तू अच्छा लगेगा दो कपड़ों में, सोच बिकनी पहने हुए कितना गंदा लगेगा। चंदू मैं तेरे को एक बात बताऊं, हंसी मजाक अपनी जगह, सीरियसली कुछ कर, तू अपने पैरों पे खड़ा हो यार। तो पहले मैं क्या हाथों पे चल के आया हूँ? और जितनी इसकी नेटवर्थ है उससे 150 रुपए मेरे पास ज्यादा ही है। 150 रुपए? कपूर तुम किसको समझा रहे हो? छोड़ो यार, इसको नहीं पता दुनियादारी के बारे में, लेट हिम गो। हाँ, सारी दुनियादारी की नॉलेज तो इसको है, कछुओं का डिजाइन इसी ने पास किया था। चिड़िया घर में जाकर देखो, तुम्हारे पापा लोगों के केले छीन रहे हैं। अरे तो इसकी बुआ को सर्कस वाले उठा के ले गए, तब से पापा को अकेले काम करना पड़ रहा है। अब मैं देखता हूँ तुम्हें कौन पंच देता है। आई लव यू। आज मेरे पास सीरियसली छुट्टे पैसे होते मैं तेरे को 150 रुपए देता इस बात का जो तुमने इसको बोली है। ओ इसको 150 छोड़ो यार, मेरे से 50 लो, इसको दो बातें और बोलो फटाफट। अरे मैं फटाफट बोलो यार, तुम दोनों को मैं एक बात बोलनी भूल गया। बोलो। गेट आउट, चलो यहाँ से। यार ये ना, ये तुम्हारी वजह से ना हमेशा मेरी बेइज्जती होती है, तो नींद से उठा जा, तुम्हारी वजह से होती है सब चीजें। अच्छा तो जाओ बुरी, तुमसे बात ही नहीं करनी मैंने। बहुत बहुत बधाई हो आपको, आपकी फिल्म बधाई दो के लिए। थैंक यू सो मच। उनको जाना है, फटाफट करो। पहले तो बहुत बहुत थैंक्स, मेरे मनपसंद कलाकार बुलाए हैं,
कमाल। अजय ये ना ऐसा सारे चश्मे पहन के आ रहे, तुम लोग याद क्यों नहीं करके आते? एक्चुअली अभी कोई फिक्र नहीं, अभी पहले था अभी ठीक है, अभी कोई ऐसा नहीं है। ठीक है, उनको क्यों बता रहे हो? उनको क्यों बता रहे हो? वो थोड़ी पूछेंगे क्या हुआ, मैं ही बताऊंगा ना। कोई पूछता नहीं मेरे को, मेरे को कोई नहीं पूछता। जब मैं पैदा हुआ मेरे बाप ने नहीं पूछा क्या हुआ, मैंने बताया पापा मैं हूँ। कोई नहीं पूछता, मैं डॉक्टर के पास जाता हूँ मेरा हाल थोड़ी पूछते हैं। कहते 3 दिन की दवाई दे दो यार, हो सकता है मैंने 4 दिन खानी हो। आप सोच रहे ना? नहीं सोच रहे, कौन हूँ वो बिल्कुल भी नहीं सोच रहे। तो मैं बता देता हूँ, मैं इसका दूर का चाचा हूँ। अच्छा, वो तो इनको समझ में आ ही गया होगा जैसे आप बातें कर रहे हो कि रिश्तेदारी होगा तभी रखा है। क्या करने के आए हो आप इधर? मैं मेन काम के लिए आया हूँ। मैं एक्चुअली फिल्म प्रमोशन का काम शुरू किया है। जैसे आजकल आप सड़कों में देखते हो सर, गाड़ियों पे ऐसे धूल होती ना शीशे पे, मैं उंगली से लिखूंगा बधाई दो बधाई। वो कहेगा कौन बेवकूफ लिख के गया बधाई दो, छप जाएगा। वो जाएंगे और जिनकी गाड़ियां साफ होंगी नहीं रहेगी मिट्टी शीशे पे, फिर तो मेरे पास मिट्टी भी तो होगी। ऐसे थोड़ी है। सबसे पहले आपको मेरी तरफ से बधाई हो, क्या बात है, ट्रेलर देखा है, क्या काम किया आप दोनों। थैंक यू सर। आप नजर नहीं आए, आपका क्या रोल था? अरे ये फिल्म के डायरेक्टर है। और सॉरी सॉरी, वो डायरेक्टर वाली टोपी नहीं ना पहनी, इसलिए मैंने पहचाना नहीं। सर क्या फिल्म बनाई है, ऐसे ही फिल्में आप बनाते रहे, हमारा भी ध्यान रखो। कितने सालों से यहाँ घूम रहा हूँ, हमें भी रोल दो, चाहे मुझे हीरो के ऑपोजिट दे दो, मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं। हीरो के ऑपोजिट हीरोइन होती है तो कोई बात नहीं, मैं कर लूंगा। मैंने किसिंग सीन नहीं करना, ये मेरी थोड़ा सा फैमिली में रहा है तो कॉन्ट्रैक्ट में करवाएगा कौन? जब मैंने मना ही कर दिया तो कौन करवा सकता है? ये कोई जबरदस्ती थोड़ी है ये तो। सर राजी, हाँ जो ट्रेलर है उसमें मैंने ये देखा है कि वो फैमिली बच्चों के लिए आपको बड़ा परेशान कर रही है, ऐसा सेम मेरे साथ हो चुका है सर। अच्छा, हाँ आपको फैमिली ने परेशान किया? नहीं, पुलिस ने नहीं, फैमिली ने तो कंप्लेंट की थी कि इस बंदे ने हमारे बच्चे की चैन उतारी है। अब क्या है कि छोटा सा बच्चा स्कूल, इतना बड़ा बैग, इतनी बड़ी गोल्ड की चैन, मैं कहता उतार दो बच्चा गिर जाए। मैंने तो हेल्प की बच्चे की, मैं दुख नहीं दे सकता बच्चों का। मैंने तो बच्चों चिल्लाने लगा बचाओ बचाओ, मैं कहा बेटे कोई बात नहीं, मेरा रोज का काम है, ऐसा कुछ नहीं हुआ। पुलिस ने कुछ नहीं कहा आपको? नहीं नहीं, पुलिस ने रिस्पेक्ट की, मुझे लेके गया ऑफिस, वहां पे गर्मी बहुत थी, बर्फ की सिल्ली पे लिटा के मेरी इंटरव्यू की। अर्चना जी मेरी इंटरव्यू की, मेरे से सवाल किए सर आप कब से कर रहे हो, आपके गिरोह में कौन कौन है, कितने कांड कर चुके। मैंने एक एक जवाब बिल्कुल ठीक दिया, उनको इतना अच्छा लगा 2 साल के लिए साइन कर लिया, मुझे जॉब मिल गई वहां पे। ऐसे कौन सी जॉब मिल गई? वो थोड़ी सीक्रेट है, अंदर की बात है। वहां पे 15-20 लोग थे, मतलब खाना पीना सब उनका, रहना सहना उनका, कोई प्रॉब्लम नहीं वहां पे। सिक्योरिटी तो इतनी टाइट थी, मतलब बाहर से तो मिलने नहीं आ सकता हमको, कोई नहीं ना बाहर जाना ना, मतलब। अरे आपको समझ में नहीं आ रहा, आपको जेल हुई थी। तू कह सकता है भाई, हम किसी की सोच थोड़ी बदल सकते हैं। तू कह सकता है, सोच तो मैं अपनी वाइफ की नहीं बदल सका। अच्छा, उन्होंने आपकी क्वीन मूवी देखी, कहती मैं भी अकेली जाऊंगी हनीमून मनाने। मैं क्या पाया, अरे वो फिल्में होती है फिल्में, असल में थोड़ी ऐसे होता है, दिमाग खराब है, अकेली नहीं जा सकती, अकेली जाके क्या करेगी? अगर जाना है तो पड़ोसी के साथ जा। नहीं चलो छोड़ो, सच में आपकी फिल्म बहुत अच्छी सुपर हिट होगी, जोरदार तालियां, ये मेरी दुआएं हैं, कमाल की फिल्म है। खैर नमस्ते सर, कैसे आप लोग? बहुत बढ़िया, कैसे आप? हाँ मैं बढ़िया एकदम, मैं चाय वाला हूँ। हाँ मेरे इधर बाहर चाय का दुकान है। अच्छा, आप डायरेक्टर है ना? हाँ। अरे सब डायरेक्टर काम देते सबको। अरे नहीं नहीं बहुत अच्छा साहब। सर आपके लिए तो मैं क्या को बोलूँ साहब, मतलब रात को 3 बजे भी अगर आपको चाय पीने का मन करे साहब तो खुद बनाओ, रात को हम लोग काम नहीं करते साहब। रात का अभी कोई काम वाम का अपना है नहीं। फ्लास्क में डाल के दे। अरे साहब आपको तो किस में भी देंगे, लीजिए साहब आपके लिए स्पेशल एक। ठीक है, ये सर दर्द की गोली। ये क्यों? अरे आपकी एंट्री है भाई। भाई तो सिर्फ गोली दे रहा हूँ, प्रोड्यूसर ने तो हॉस्पिटल से एम्बुलेंस भी मंगवाई सबके लिए। अरे क्या आपको मालूम है, आपके गाने की वजह से मेरे को कल 100 रुपया मिला। तेरे को 100 रुपया गाना? मैंने 100 रुपया? अरे मेरे ना दोस्त के साथ शरत लग गई। मेरा दोस्त बोलता है इस दुनिया में जेनरेटर से ज्यादा इरिटेटिंग आवाज हो ही नहीं सकती। मैंने उसको आपका गाना सुना दिया, मेरे को 100 रुपया मिल गया।
लेकिन जो भी है बहुत महान आर्टिस्ट है, ऐसा बात नहीं है, बहुत साल से हम लोग साथ में भाई। हमारा इंडस्ट्री में कैसा रहता है भूमि जी, राजकुमार जी, कुछ लोग रहता है जो बहुत पैसा कमाते हैं, कुछ लोग रहता है बहुत नाम कमाते हैं, कुछ लोग रहता है बहुत इज्जत कमाते हैं। ये आदमी ने तीनों चीजें नहीं कमाई, बहुत कमा ले। सही बात है, बिल्कुल। कुछ लोग मेहनत से आते हैं, कुछ टैलेंट से, ये मामा से आया। ए, सर मेरा फैमिली को बीच में मत घुसाओ। हाँ अरे घुस तो तू रहा है, कभी मामे के डांस में घुस जाता है, कभी लड़कियों के कपड़ों में घुस जाता है, सपना बन क्या है तू सब। हाँ सब, आपके कुर्ते में दो जेब है क्या है ना? हा? तो उसमें हाथ डाल के चलते बनो ना। मैं थप्पड़ मार देना तेरे। हाँ तो हमने भी चूड़ियां नहीं पहन रखी साहब। वो तो इस एपिसोड में नहीं पहनी ना। चेंज द टॉपिक साहब, चाय लोगे? मैं ऐसी चाय नहीं पीता। तो एवोकाडो शेक पियोगे? ये क्या होता है? जब पता नहीं तो चाय पी के खत्म करो ना। अरे साहब मैं आपको सच्ची बोलता हूँ, मैं बहुत अच्छी चाय बना, मेरे हाथ की चाय पियो आपका मुंह लाल हो जाएगा। चाय से मुंह लाल कैसे होता है? वो जहर भी डालूंगा ना मैं। यार साहब कब तक चैनल ही जहर का चुस्की लेता रहे? ये कब से बकवास कर रही है? चल निकल यहाँ से, वो चल निकल यहाँ से। अबे तू झूठा। फॉर मोर अपडेट्स सब्सक्राइब टू आवर चैनल, click the show links and enjoy watching the videos.